सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेक रेंडर को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में रिव्यू करने जा रहा हूँ लैपकार्ट के LG 803 पावर बैंक की, जो कि हमें 20,800 mAh पावर की कैपेसिटी देता है, जो कि हमारे लिए काफी है। तो चलिए सबसे पहले रिव्यू करते हैं इस पावर बैंक को। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमें यहाँ पे खास बातें में क्या मिलता है। तो यहाँ पे हमें 3 USB पोर्ट मिलता है, जिससे कि हम एक ही वक्त पे 3 मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें एक LED बल्ब और एक माइक्रो USB केबल, जिससे कि हम इसको चार्ज कर सकते हैं। ऊपर की तरफ यहाँ पे हमें एक पावर बटन और एक इंडिकेटर दिया हुआ, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। अगर हम पावर बटन दबाते हैं तो यहाँ पे हमें इंडिकेटर मिलता है, जिसपे 25, 50, 75 और 100 चार इंडिकेटर मिलते हैं, जिससे कि हमें बैटरी का पता चल जाता है। और अगर हम इसी पावर बैंक को देर तक दबाएंगे तो हमारा जो LED बल्ब है ऊपर की तरफ जो ऑन हो जाएगा, जो कि हमें कुछ टाइम तक के लिए हमारे साथ रह के हमें इमरजेंसी पे काम आ सकता है। देर तक दबाने के बाद वो LED बल्ब बंद हो जाती है। पीछे की तरफ हमें यहाँ पे पावर बैंक 20,800 mAh, जिसका इनपुट 5V 2A, आउटपुट तीनों पोर्ट का 5V 2.1A मैक्सिमम है। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, जेन्युइन प्रोडक्ट है और लैपकार्ट की तरफ से है। मैंने इसके रिव्यू देखे और रिव्यू और सब कीमत देखने के बाद मुझे ये ऑनलाइन 1500 की कीमत पे अभी दिखा। तो अगर आप लोगों को ये प्रोडक्ट लेना है तो नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से जाके ले सकते हैं। आप लोगों को इसमें एक काफ़ी अच्छा पावर बैंक मिल जाएगा और मुझे लगता है कि 20,800 mAh की कैपेसिटी के साथ आप पूरे दिन अच्छे से रह लेंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, नीचे आप लोगों को सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मेरी वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टेक रेंडर साइनिंग ऑफ।